हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूथ आर्मी द ड्रीम्स ऑफ यूथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में। इनकम टैक्स इंडिया का जो नया पोर्टल है, उन पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरह बहुत आसान और सरल तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, स्टेप बाई स्टेप पूरा वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, मैं बाकी वीडियो की तरह इस वीडियो को भी मैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, DSC और कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करने वाला भाई बंधुओं को डेडिकेट करना चाहूँगा। और इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगा आपको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस कहाँ पर डालना है, आपको HRA कहाँ पर डालना है, बाकी अलाउंसेस किस तरह आपको इनपुट करने इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो को मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही बना रहा हूँ, तो आप भी जहाँ कहीं पर भी हो, आप अपनी मोबाइल फ़ोन से बहुत आसान तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद दोस्तों, अगर आप किसी के दिमाग में अगर कोई दिल में कोई सवाल है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हर एक सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए, मैं गूगल को ओपन करके रखा है, उसके बाद आप देखिए ऊपर जो 3-डॉट लाइन है वहाँ पर जाके आप सबसे पहले डेस्कटॉप साइट कर लीजिए। डेस्कटॉप साइट करने से आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन मोबाइल पर आ जाता है, जिसकी वजह से आपका आसान होता है आपको कोई भी काम करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले टाइप कीजिए आप ऑनलाइन ई फाइलिंग। ओके, ऑनलाइन ई फाइलिंग टाइप करने के बाद दोस्तों, अभी जो इनकम टैक्स इंडिया का जो नया पोर्टल है वो है www.incometax.gov.in। नया पोर्टल जो है, मैं नया पोर्टल पर अगर क्लिक करता हूँ। ओके दोस्तों, अभी नया पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आप देखिए नया पोर्टल मेरे पास आ गया। अभी इसमें जो है दोस्तों, लॉगिन का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा डिले आ रहा है ड्यू टू नेटवर्क इश्यू। दोस्तों, मैं बताऊंगा अभी लॉगिन। देखिए, अभी लॉगिन करने के लिए जो सर्च बटन के बगल में जो ऑप्शन है वहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आप न्यू यूज़र है तो रजिस्टर करना है, और ऑलरेडी इफ़ यू आर हैविंग ऑलरेडी एन अकाउंट हेयर सो देयर आफ्टर क्लिक ऑन लॉगिन। ओके दोस्तों, लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यूज़र लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ है यूज़र आईडी। इसमें देखिए, जो पुराना पोर्टल में ऑप्शन नहीं था, अब इसमें देखिए पैन ऑब्लिक आधार ऑब्लिक आधार यूज़र आईडी ऑल्सो, मतलब आप यहाँ पर चाहे तो अपनी अलग से यूज़र आईडी भी बना सकते हैं। बट पैन कार्ड आपका अभी जो अभी जिन्होंने यूज़र आईडी नहीं बनाया उनके लिए आपका इनिशियल लॉगिन आईडी जो है आपका पैन कार्ड ही होगा। अब इसमें यहाँ पर अपने पैन कार्ड नंबर टाइप कीजिए। दोस्तों, आप अभी आपको अपना पासवर्ड डालना है। देखिए दोस्तों, पासवर्ड से पहले इधर एक नया ऑप्शन है, प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। आप अगर यहाँ पर क्लिक नहीं करोगे तो पासवर्ड जो डालने के बाद भी आपका कंटिन्यू एक्टिवेट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्लिक ऑन द स्क्वायर बॉक्स, तो प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज देयर आफ्टर टाइप योर पासवर्ड हेयर। पासवर्ड टाइप करने के बाद उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, आप लॉगिन होने के बाद देखिए आपका प्रोफाइल खुल गया, वेलकम बैक जो भी है आपका लेफ्ट साइड में आपका पर्सनल डिटेल्स है। इसके बाद आप देखिए एक ऑप्शन है, अभी नाउ ऑप्शन है फाइल नाउ, उसके बाद टैक्स डिपोजिट रिसेंट फाइल रिटर्न। ओके, फाइल नाउ पर अभी क्लिक करना है। जैसे आप फाइल नाउ पर क्लिक करोगे तो आपका अभी फाइल ऑप्शन ओपन हो जाता है। अभी इसमें सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जैसे अभी हम फाइल करने जा रहे हैं 2021 एंड 22। ओके, 2021 एंड 22 का क्लिक करना, उसके बाद ऑनलाइन। ओके, उसके बाद कंटिन्यू। दोस्तों, मैं इधर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग शुरू करने से पहले आप अपनी 26AS को चेक कर लीजिएगा। मैंने दूसरा वीडियो पर देखा जो 26AS किस तरह चेक किया जाता है, आप देख लेना, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और एन बटन में भी आपको मिल जाएगा। दूसरा एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, सिर्फ 26AS चेक करने से नहीं होगा, साथ साथ आप अपनी फॉर्म 16 भी चेक कर लेना, ठीक है। अभी दोस्तों, इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर 26AS और फॉर्म 16 में आपका वेरिएशन है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा जो पहले नहीं करना पड़ता था आपको। फिर 12 महीने का पिछले साल, मतलब 2021-22 का पूरा आपका जो 12 महीने का पूरा पे स्लिप निकालना पड़ेगा, और उसमें से जितना आपने सैलरी लिया उसको ग्रॉस सैलरी ऐड करके आपको निकालना पड़ेगा, अगर आपका 26AS और फॉर्म 16 में वेरिएशन है तो। अभी इसमें देखिए दोस्तों, अभी दो ऑप्शन है, रिज्यूम फाइलिंग एंड स्टार्ट फाइलिंग। रिज्यूम फाइलिंग अगर आपने ऑलरेडी फाइल करके रखा है तो वो है, नहीं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग। ओके, ओके, अभी देखिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग करने के बाद दोस्तों सेम ऑप्शन आपका मोबाइल पे आएगा। तो मैं अपनी मोबाइल को डेस्कटॉप डिस्प्ले में किया इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर आपको मोबाइल डिस्प्ले भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पक्का मैं मोबाइल डिस्प्ले पे एक वीडियो शूट करके आपको बताऊँगा। अभी यहाँ पर ऑप्शन होगा इंडिविजुअल, कंटिन्यू।
अभी जैसे मैंने बताया, मैं सर्विस पर्सन को मैं इस वीडियो को डेडिकेट करना चाहूँगा, तो सर्विस पर्सन के लिए फॉर्म कौन सा होगा? ITR 1, सिलेक्ट ITR 1। ओके, ITR 1 को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विथ ITR 1। इतना डिफिकल्ट नहीं है, मगर इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा लाया गया है। इसमें आप कोई उल्टा पुल्टा अपनी मर्जी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकता है, आपके पास इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पक्का होना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्ट। ओके नाउ प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में जाने के लिए ये सब आपको करना पड़ेगा। तो मैं सर्विस पर्सन के ये बताऊँगा, आप जो लास्ट वाला ऑप्शन है अदर्स पे क्लिक कीजिएगा, बाकी आप पढ़ के देखिएगा। आपको कोई भी ऑप्शन अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, इट्स नॉट ए बिग इशू, आप उसको चूज कर सकते हो। जब फाइलिंग क्यों कर रहे हो, बस इसका रीज़न यही पूछना चाह रहा है, फाइलिंग क्यों करना चाहते हो। अच्छा, उसके बाद देखिए अभी आया आपका रिटर्न समरी। ओके, रिटर्न समरी आया तो इसमें लेट्स वैलिडेट योर प्री फाइल डाटा, मतलब आपका जो प्री फाइल डाटा है, जो आपका मतलब डेटा पहले से फिल किया हुआ है, कुछ डेटा आपका जो पहले का है और कुछ जो आपका 26S या पैन कार्ड से जो भी उनको मिला है अवेलेबल है। जैसे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अभी हर एक डेटा को आपको एक एक करके जाना है, इसमें स्किप किसी भी डेटा को नहीं करना है। ओके, अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको एक बार चेक करना है, आप देख लीजिएगा इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन है या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, यू कैन चेंज इट इमीडिएटली एंड देयर आफ्टर सेव इट। ओके, आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरा देख लीजिए, इनका पैन नंबर, आधार नंबर, जो भी है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है आप चेक कर सकते हो। अगर एडिट करना है तो यहाँ से आप इस एडिट ऑप्शन से आप एडिट भी कर सकते हो। ओके, नाउ द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका मैं फाइल करने जा रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो दैट इज़ आई हैव चूजन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन। ओके, अभी देखिए जैसे पहले उसमें क्या आता था, अलग अलग ऑप्शन आया करता था जो पुराना वाला पोर्टल में। अभी इसमें 139(1) जो रिटर्न फाइल बिफोर ड्यू डेट, उसके बाद बिलेटेड, उसके बाद 139(5) जैसे रिवाइज फाइल है, ये सभी ऑप्शन इसमें है। तो 139(1) विल बी एप्लीकेबल फॉर माई कैंडिडेट, सो आई हैव चूजन द 139(1)। ओके, अभी इसमें बोला आर यू ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115BAC। अगर जो नया जो टैक्स स्लॉट बना है, जो रिजिम हुआ है, उसके हिसाब से आप जाना चाहते हो तो आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज नो। तो मैं अभी पुराने हिसाब से जाऊंगा, अगर आपको नया हिसाब से भी चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना के आपको आप लोगों के लिए डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। नाउ आई वुड लाइक टू गो विथ नो। ओके, उसके बाद आप देखिए आपको जो यहाँ पर ये चीज़ पक्का करना पड़ेगा, जो काइंडली इंश्योर दैट एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट इज़ प्री वैलिडेट फॉर ट्रांसफर ऑफ रिफंड। कम से कम दोनों में से एक बैंक अकाउंट, जितना भी एक बैंक जो है ना आपका प्री वैलिडेट होना चाहिए आपका रिफंड के लिए। अगर आपको कोई और बैंक अकाउंट ऐड करना है जिस जहाँ पर आप इस साल का रिटर्न चाहते हो, यू कैन ऐड अनदर बैंक अकाउंट फ्रॉम हियर। ओके, देयर आफ्टर कन्फर्म। अब आप देख सकते हो जो कन्फर्म पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मैंने कन्फर्म किया है, अभी इसमें ग्रीन कलर का जो कन्फर्म लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब कन्फर्म हो गया। नाउ आई विल हैव टू मूव टू द ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, दोस्तों अभी ग्रॉस टोटल इनकम में आप अभी देखिए इसमें आर यू एलिजिबल फॉर एग्जेम्प्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। जैसे आप ये जो है सर्विस पर्सन है तो इनके पास ये ऑप्शन रहता है, जैसे मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म है जिसमें इनको 10,000 रुपीज़ मेंटेनेंस मिला है, तो हम यहाँ पर 10,000 रुपीज़ यूनिफॉर्म मेंटेनेंस को ऐड कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, 10,000 रुपीज़ मेंटेनेंस। आर यू एलिजिबल टू क्लेम द रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस? यस, अभी जिसने भी चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस लिया हुआ है तो उनका भी ऐड कर सकते हैं। तो हेयर जो है मेरा कैंडिडेट के एक चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस है 27,000 रुपीज़, तो मैं उसको भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो 27,000 रुपीज़ चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस है। ओके, हाउस रेंट अलाउंस, यस, तो हाउस रेंट अलाउंस आप मैक्सिमम 60,000 क्लेम कर सकते हो। यस, ही इज़ हैविंग द लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर द हाउस रेंट। हाउस रेंट अलाउंस दोस्तों, अगर आपने हाउस रेंट अलाउंस मैक्सिमम 60,000 रुपये का क्लेम किया तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक्चुअली आप रेंट पे होना चाहिए।
और बाकी जैसे बहुत सारे फौजी भाई लोग जो बाहर रहते हैं, आउटलिविंग में रहते हैं, अपनी क्वार्टर में नहीं रहते हैं, तो वो भी हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं 60,000 रुपीज़। ओके मैक्सिमम। ओके ट्रैवल अलाउंसेस अगर आपके लिए अप्लीकेबल हो तो यस, अदरवाइज नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम? ओके, आप अगर और भी कोई क्लेम एग्जेम करना चाहते हो तो यहाँ पर यस कीजिएगा। इसमें देखिए आप जो भी है आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा। अलाउंसेस रिक्वेशन पेड अलाउंस, आप जो आपके लिए अप्लीकेबल है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसिप्ट, ग्रेचुटी रिसिप्ट अगर आपने किया है तो, लीव इनकेशमेंट का जो भी रिटायरमेंट हो गया तो उनके लिए ये सब चीज़ लागू है। कमुटेड वैल्यू पेंशन रिसिप्ट, अगर कमुटेशन लिया है आप पेंशन जाते टाइम तो वो भी आपके लिए लागू है, तो आप ये सब चीज़ कर सकते हो। तो अभी एज मेरा कैंडिडेट के लिए इसमें से एक भी एप्लीकेबल नहीं है तो मैं नो करूँगा और उसके बाद कंटिन्यू। दोस्तों इसके बाद देखिए अभी इनकम फॉर्म योर सैलरी जो ऑप्शन आया दोस्तों, ये है प्री फिल डेटा है। अगर आपको एडिट करना है तो इसमें देखिए ऊपर एक एडिट ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक कीजिए, यह सब एडिट कर सकते हो। एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है, दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जो मेरा क्लाइंट का है ये फॉर्म 16 मैंने दिखा रहा हूँ। फॉर्म 16 में आप देख सकते हो इनका जो टोटल ग्रॉस सैलरी 8,81,187, देयर आफ्टर 28,659 रुपीज़ अलाउंसेस है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है। दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन इधर से माइनस नहीं करना है क्योंकि इसमें जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको बाद में ऑप्शन मिलेगा। सो आप अभी इसमें क्या करना है, जो भी आप इनकम टैक्स फाइलिंग कर रहे हो, जो आपका 8,81,187 है उसमें से 28,659 रुपीज़ जो अलाउंसेस वो माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो अमाउंट हो रहा है उसको आप डालना, जैसे 8,52,528 इनका जो हो रहा है इतना मुझे डालना है अभी। अच्छा दोस्तों इसमें देखिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, इसमें वार्निंग आ गया है, जो सैलरी इनकम एंटर्ड इज़ लेस देन सैलरी डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज़ री वेरीफाइड। मतलब आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये जो इनके पास पहले से प्री वेरीफाइड जो डेटा था उनके हिसाब से इन्होंने बोल रहा है, मगर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्तों अपने मैनेजर से बताया अपने ग्रॉस इनकम से आप उतना माइनस करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, ओके। अभी जैसे कि हमने पहले से ही डाला है 10,000 रुपीज़ आपका जो भी अलाउंसेस अभी हम डाल के यहाँ तक आया है, तो वो अलाउंसेस टोटल 97,000 इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों जैसे कि मैंने हाउस रेंट डाला था और ड्रेस अलाउंस डाला था, इसके बाद सीए डाला, सब इन्होंने लिया है, तो अभी ओके। तो नेट सैलरी हो गया आपका 7,55,528। ओके इसके बाद अभी देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो इसलिए आप पहले से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करना, तो फिर आपको 1,00,000 रुपया माइनस हो जाएगा, जिसमें क्या है आपका रिटर्न होने में बहुत दिक्कत होगा, इंक्वायरी आ जाएगा, रेक्टिफिकेशन आपको फाइल करना पड़ सकता है, इवन रिवाइज फाइल करना पड़ सकता है। दोस्तों उसके बाद सेव। दोस्तों आप देखिए जैसे ही मैंने डेटा सेव कर दिया, इनकम फॉर्म सैलरी इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया 8,52,528, जो भी हमने डेटा इनपुट किया सब यहाँ पर अपडेट हो गया। ओके एंड देयर आफ्टर ओके ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर अपडेट हो गया, एग्जेम्प्ट इनकम ओके सब कुछ अपडेट हो गया। नाउ कन्फर्म, क्लिक ऑन कन्फर्म। अभी दोस्तों ये देखिए जो ग्रॉस टोटल इनकम जो है कंफर्म हो गया, जिसकी वजह से कंफर्म लिख के आ गया। टोटल डिडक्शन अभी जाना पड़ेगा हम लोगों को टोटल डिडक्शन पे। दोस्तों अभी इसमें 1,50,000 जो आप देख रहे हो, तो क्योंकि मैंने पहले इसमें ट्राई किया था एक बार फाइल करने के लिए, इसलिए तो वो जो मैंने सेव किया होता डाटा वो भी दिखा रहा है। तो मैं आपको ये बताऊँगा, जो आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो जो प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ उसी प्रोसेस में आपको जाना है, उसी प्रोसेस को ही फॉलो करना है, ठीक है। अभी आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी रिडक्शन टू डोनेशन फॉर डोनेशन पेड, आपने अगर कहीं पर डोनेशन किया है तो यस, अदरवाइज नो। ओके आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी रिडक्शन फॉर डोनेशन पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ दोस्तों पहले जो इनकम टैक्स का जो पुराना वाला पोर्टल था उनमें भी सेम चीज़ था, अभी इसमें भी सेम चीज़ है, तो इसमें आपका अगर नहीं है तो नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80ZZ, अगर आपके लिए अप्लीकेबल है दोस्तों, आप अगर किसी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो इसमें देखिए राइट साइड में जो ये जो आई बटन है उसमें क्लिक करके आप इनका डिटेल भी ले सकते हो,
तो मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, मेरा जो क्लाइंट है टोटल उनका 80C के अंदर 1.5 लाख रुपया सेविंग्स है। तो 80C के अंदर क्या क्या आता है यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस से लेकर प्रोविडेंट फंड से लेकर सब चीज़ जो भी है आप इसमें देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है। तो 1,50,000 मैंने, ओके डू यू एग्री विथ इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री नहीं करते तो नो करना, तब जाकर आपको एडिट हो सकता है। अभी ऐसे नो करूँगा तो ये जीरो आ गया तो एडिट कर सकता है, अदरवाइज यस किया तो पहले से जो डेटा डाला हुआ है वो ऑटोमेटिकली आएगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80CD? जो भी आपके लिए दोस्तों, अगर पेंशन स्कीम अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो आपके लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज नो। ओके, आर यू एलिजिबल टू क्लेम अंडर डिडक्शन? अभी देखिए मेडिकल दोस्तों, पहले जो पोर्टल था उसमें आपने 5,000 रुपीज़ फ्री मेडिकल चेकअप के लिए ले सकते थे, बट इसमें आप नहीं ले सकते हो दोस्तों। इसमें अगर डालना है तो आपको सेक्शन 80D का जो है, अब देखिए सेक्शन 80D मैं डालूंगा तो इसमें पहले से डिटेल इनके पास होना चाहिए, तब जाके आप इसको डाल सकते हो, अदरवाइज आप अभी नहीं क्लेम कर सकते दोस्तों। ओके, तो नो, आपको अगर किसी को 80D के अंदर लेना है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह किया है, अगर मेडिकल अपने एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफिक डिजीज के लिए भी है तब कर सकते हो, अदरवाइज नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन? ओके यस करके देखते इसमें क्या क्या चीज़ आता है, आप अगर चाहे तो कर सकते हो। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 80DD मेंटेनेंस इंक्लूडिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, इसमें आप ले सकते हो। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक डिजीज, इसमें आप ले सकते हो। इंटरेस्ट लोन टेकिंग फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ओके दोस्तों ये मेरे क्लाइंट के लिए एप्लीकेबल है, सो आई हैव सबमिटेड दिस वन। तो दोस्तों अगर इसमें मैं एक चीज़ बताऊँगा, अगर आपको इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मतलब हाउस बिल्डिंग लोन, तो दोस्तों अगर लोन का आपका अमाउंट इनपुट करना है तो उससे पहले आप बैंक से लोन, हाउस लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, क्योंकि बैंक जो उसमें इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में आपका जो अमाउंट मेंशन किया हुआ है तो उसी अमाउंट की इसमें डालना है, क्योंकि अमाउंट अगर मिसमैच हो गया तो तब भी आपको रिटर्न होने में दिक्कत आ सकता है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना, कभी कभी बार ऐसे होता है दुनिया, अपनी EMI कितना है, 10,000 रुपये EMI के हिसाब से हो सकता है, 10,000 रुपये पर मंथ EMI दे रहा तो एक साल में 1,20,000 डाल दिया, नो नहीं होगा। इसमें आपको बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में बैंक ने जितना मेंशन किया वही डालना पड़ेगा। आपको मिलेगा 50,000 तक, इसमें 50,000 तक ही आपको रिबेट मिलेगा, बट डालना आपको वही होगा जो बैंक से आपको मिला है। दोस्तों इसमें मेरा क्लाइंट का 1,11,224 रुपये है, मैं वो इनपुट कर देता हूँ, 1,1,1,2,2,4 ठीक है दोस्तों। ओके, अभी देखिए डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेस इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर आपने लिया है तो ये भी डाल सकते हैं। डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी, वो भी आप डाल सकते हैं दोस्तों। ओके, देयर आफ्टर कंटिन्यू। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो जो ऑप्शन आ गया आपके पास, जो वेरीफाई योर डिडक्शन, जो भी डिडक्शन आपने मेंशन किया वो वेरीफाई करने के लिए बोला। अगर आपने वेरीफाई करते हो जो आपने डिडक्शन मेंशन किया वो सब ओके है तो आप देखिए, इसमें भी वार्निंग है, टोटल चैप्टर 6A डिडक्शन एंटर इज मोर देन डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाई द एम्प्लॉयर, प्लीज़ रीवेरीफाइड। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आप कन्फर्म कीजिए और नेक्स्ट। ओके, अभी नेक्स्ट करने के बाद आप देखिए, लेट्स वैलिडेट योर प्रोफाइल डेटा। अभी जो चीज़ कंफर्म हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म, टोटल डिडक्शन कंफर्म, अभी टोटल जो आपने टैक्स पे किया है अपनी फॉर्म 16 में भी देख सकते हैं। अभी फॉर्म 16 में देखिए इनकम, टोटल टैक्स पे किया 44,388 रुपीज़, और इसमें भी इतना ही आ गया ऑटोमेटिकली। तो अभी इसमें हमको वैलिडेट करना पड़ेगा, हर एक सेक्शन को आपको वैलिडेट करना पड़ेगा दोस्तों, यू कैन नॉट स्कीप इवन ए सिंगल सेक्शन। तो हर एक सेक्शन का आप ऑटोमेटिकली वैलिडेट करते रहोगे तो आपका पूरा सिंपली और बहुत क्लियरली फाइल हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी दोस्तों। अभी देखिए वेरीफाइड योर टैक्स पेड डेटा, इसमें आप देखिए आपका अभी जो 44,388 रुपीज़ आपने टैक्स पेड किया, अगर आपको कन्फर्म है, आपने फॉर्म 16 से कन्फर्म किया, 26A से कन्फर्म किया, तो देन कन्फर्म।
आप अभी देख सकते हो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म टोटल टैक्स पेड जो अभी कन्फर्म हो गया, अभी देखिए आपका टोटल इनकम टैक्स कटा था 44,388 रुपीस, अभी आपका टैक्स टोटल टैक्स लाइबिलिटीज कितना बन रहा है 14,150 रुपये। इट मीन्स जो आपका लगभग 30,000 की करीब रिटर्न हो सकता है, आप यहाँ पे खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो दोस्तों। अभी तो अभी क्या है, टोटल टैक्स लाइबिलिटीज पे जाएंगे। ओके क्लिक दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं मोबाइल से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कभी कभी टाइम लग जाता है, बट इट्स नॉट ए वेरी बिग इशू। आप कई अच्छा नेटवर्क जोन पे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कर सकते हो, प्रोसेस सेम ही है, बहुत आसान है दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कहीं भी किसी भी सेक्शन में आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा दोस्तों। अभी आप इसमें देखिए, ओके दोस्तों आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो भी हमने अभी किया है उसके बाद माइनस डिडक्शन 2 लाख रुपीज़ है, टोटल इनकम 5,05,000 रुपीज़। अभी इसमें आप देख सकते हो, ओके टोटल 14,150 रुपये आपका टैक्स बन रहा है। अभी इसमें जो है, पहले जो हम फाइलिंग करते थे पुराना वाला पोर्टल में, उसमें आप इसी टाइम कन्फर्म रिफंड या पेएबल दिखा देता था, मगर इसमें अभी नहीं दिखा रहा है, तो आपको थोड़ी देर बाद में जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन में आपको मिलेगा इसमें कितना रिफंड हो रहा है दोस्तों। अभी देखिए आपका हर एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, तो नाउ प्रोसीड। ओके आप अगर कंफर्म है तो आप अभी प्रोसीड कर सकते हो। ओके प्रोसीड, अभी देखिए मैं बताया ना आपका यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 30,240 रुपीस, आप इसमें देख सकते हो। अभी आपका पूरा चीज़ डिटेल में दिखा रहा है, ठीक है, प्रीव्यू रिटर्न, अभी आप प्रीव्यू करना है। ओके अभी जैसे ओके प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, आप अभी देख सकते हो जो भी डेटा आपने डाला है तो उसको प्रीव्यू करना है दोस्तों। इसमें आप सबसे पहले देखिए आपके नाम की बगल में एक स्क्वायर बॉक्स है, इसमें क्लिक जरूर कीजिएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक बार चेक करना है जो सब कुछ सही है कि नहीं। ओके ओके अगर अभी देखिए दोस्तों इसमें एक ऑप्शन है, ये देखिए दिस रिटर्न इज़ माई कैपेसिटी एज, पहले आपको खुद भरना पड़ता था सेल्फ, अभी इसमें क्या है सेल्फ हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके पास उसका TRP नंबर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप सेल्फ करके, जो भी फौजी भाई लोग अभी कर रहा है तो खुद अपने सेल्फ कर सकते हो, सेल्फ करके आप प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है दोस्तों। अभी देखिए इसमें मैं स्क्वायर पे जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक आपका नीचे वाला प्रोसीड वाला बटन जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। ओके अब देखिए प्रोसीड फॉर प्रीव्यू दोस्तों, आप अभी देख सकते हो, देखिए आपका जो है प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, आप अभी पूरा चेक कर लीजिए, इसमें पूरा डेटा आप चेक कर सकते हो, आपको चेक करना भी चाहिए, बट मैं जो बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको चेक करना है वो है रिफंडेबल अमाउंट दोस्तों। आप अभी रिफंडेबल अमाउंट की बात करें तो इसमें आपको चेक करना है टोटल जो आपका अमाउंट रिफंड हो रहा है वो एक बार पक्का चेक करना है, क्योंकि काफ़ी बार ये अमाउंट पेएबल हो जाता है, और मतलब आपको क्योंकि हम जो भी फौजी भाई लोग आज फाइलिंग कर रहे हैं प्रोफेशनल फाइल नहीं करने वाला है, वो प्रोफेशनल नहीं है इस काम में, तो सिर्फ अपना रिटर्न फाइल करता है, तो इसीलिए उनको एक बार चेक करना चाहिए, कि कभी कभी बाय मिस्टेक ये हो जाता है जो उनको टैक्स देना पड़ जाता है, बट उन्होंने ध्यान नहीं देता, इसकी वजह से टैक्स भरना भी पड़ता है दोस्तों। अभी देखिए इसमें आप देख सकते हो दोस्तों जी, अभी देखिए रिफंड, ये जो टैक्स पेएबल अमाउंट है 0 है, और रिफंड है D12 D11, अभी देखिए D12 माइनस D11 जो है 30,240 रुपीज़ है दोस्तों। अभी यहाँ तक लगभग आपका डन हो गया, तो आप कंफर्म है, अब चाहे तो बाकी डेटा वन बाई वन पूरा चेक कर सकते हो, अदरवाइज नीचे ओके प्रोसीड फॉर वैलिडेशन। अभी देखिए अभी आपने पूरा प्रीफाइल कर दिया है, अभी इसको वैलिडेशन करना है। इस जो नया पोर्टल में ये बहुत अच्छा चीज़ है, जो हर सेक्शन को आपको एक बार वैलिडेशन करना है, सो दैट आपको बार बार मेहनत करना ना पड़े। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, अभी प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। अभी देखिए आपका दिखा दिया पहले कितना आपका रिफंड हो रहा है, अभी इसमें प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन होना है।
देखिए अभी वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ई वेरीफाई पहले जैसा ही है, नाउ इंस्टेंट ई वेरीफाई जिसमें आप क्लिक करने के बाद आधार कार्ड में आधार नंबर पर रजिस्टर मोबाइल यूज आधार मोबाइल नंबर पर आपको OTP मिलेगा, उसको डालना है। ई वेरीफाई लेटर और ई वेरीफाई वाया ITR B, मतलब तीनों ऑप्शन जो पहले हुआ करता था अभी भी आप बाद में भी वेरीफाई कर सकते हो और अभी भी कर सकते हो, और दूसरा बात है ITR B को भी भेज के कर सकते हो दोस्तों। तो मैं अभी करता हूँ ई वेरीफाई नाउ, ओके कंटिन्यू। अभी दोस्तों मैं कोशिश किया बहुत कम टाइम पर जल्द से जल्द आपको, अभी देखिए अभी ई वेरीफाई कंटिन्यू करने के बाद हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर विद अदर, अदर के साथ जो भी मोबाइल नंबर, मैं इसी ऑप्शन को क्लिक करूंगा, मेरे लिए सुइटेबल है। बाकी आप चाहे तो आप कोई भी नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, आपका मर्जी है, आपके लिए जो कंफर्टेबल आप कर सकते हो। देयर आफ्टर कंटिन्यू, ओके अभी देखिए आप एग्री करते हो जो आधार OTP भेजने के लिए, तो मैंने एग्री किया तो जनरेट आधार OTP, मैंने आधार OTP के लिए भी रिक्वेस्ट भेज दिया। अभी जो मेरा क्लाइंट के पास आधार OTP चला गया तो मैं उस OTP को लेकर इसमें सबमिट करूंगा, वैलिडेट करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों अब जैसे कि मैंने OTP डाल दिया, अगर OTP नहीं आता तो आप नीचे देखिए, नीचे रिसेंट OTP वाला ऑप्शन, उसको डाल के आप उस पर क्लिक करके दोबारा OTP सेंड कर सकते हैं। अभी OTP डालने के बाद ऑप्शन है वैलिडेट, वैलिडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है आपका सबमिट, प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नॉट, ओके गुड। अभी देखिए यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड यूर रिटर्न, ओके यहाँ पर जो मेरा रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट होता है और साथ में ई वेरीफाइड भी हो जाता है। दोस्तों मैं कोशिश किया जो अपनी बेस्ट से बेस्ट नॉलेज के माध्यम से आप सभी को आसान तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। दोस्तों इसके बावजूद भी आप लोगों का अगर और भी कोई जानकारी है और कोई किसी को कोई भी किसी भी सेक्शन के लेकर कोई भी डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपको पक्का आंसर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, जय हिंद जय भारत।